नमस्कार मित्रों, शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष तो खत्म होता ही है, साथ में लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। पीपल के वृक्ष की सरल विधि से पूजा आप कैसे कर सकते हैं शनिवार को, वही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है वहाँ पर जाएं और जो भी पूजा का सामान लेना है वो ले लीजिए। हल्दी, कुमकुम, चावल, मीठे में मिश्री ले सकते हैं और तेल का दीपक ही पीपल के नीचे लगाते हैं और साथ में शनि मंदिर में भी इस दिन तेल का दीपक लगाएं। साथ में थोड़े से काले तिल ले लीजिए और जल के लोटे से पीपल को सींचना इस दिन बहुत ही अच्छा होता है। पीपल वृक्ष को सींचकर उस पर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का वास शनिवार को पीपल के वृक्ष में होता है। तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए हमें सिंदूर से तिलक करना चाहिए, साथ में मौली से हमें परिक्रमा करनी चाहिए, मौली का धागा बांधना चाहिए। चाहे तो आप 3, 5, 7 बार मौली का धागा टहनी पर भी बांध सकते हैं। अगर परिक्रमा का स्थान नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी एक टहनी ले लीजिए और उसके ऊपर 3 या 5 बार मौली का धागा लपेट दीजिए। यह भी बहुत शुभ होता है। धागा लपेटते समय गांठ नहीं लगानी है। अब मैं परिक्रमा करते समय भी धागा बांध रही हूँ। आप चाहें अगर परिक्रमा की जगह नहीं है तो टहनी पर बांध दीजिए और परिक्रमा करते हुए साथ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का नाम मन मन में जाप करते रहें और 3 या 5 बार आप मौली के धागे से पूरी परिक्रमा करें। पीपल की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ होता है मित्रों। पीपल की परिक्रमा तो जितना चाहें आप कर सकते हैं, कम से कम 3, 5, 7। अगर आपके पास समय है तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करना बहुत ही शुभ होता है और इस तरह से पीपल के वृक्ष को छूकर हाथ जोड़कर अपने मन की कामना बोलिए। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा की जाती है तो दीपक जलाना तो बहुत ही आवश्यक होता है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। दीपक जलाकर आपको वहीं पर रख देना है, धूप दीप दिखानी है। इस तरह से पीपल वृक्ष की सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं मित्रों। अगर आप पुरुष हैं तो आप पीपल को गले से भी लगा सकते हैं। स्त्रियों को गले से पीपल को नहीं लगाना है। पुरुष पीपल को गले से लगाकर अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि का प्रकोप है या पितृदोष है वो पुरुष इस तरह से पीपल को गले लगा सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को गले नहीं लगाना, सिर्फ हाथ जोड़ना है और टच करना है और परिक्रमा करनी है। देखिए, हमारे मंदिर में साथ में भगवान शनि देव का मंदिर भी है। शनि भगवान की भी हम साथ में पूजा कर लेंगे। वहाँ पर भी तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि मंदिर में हमेशा सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। काले तिल, उड़द की दाल, पीले फूल, या फिर आप अगर नीले फूल मिलते हैं तो नीले फूल भी शनि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ में आप काले तिल और काले उड़द की दाल भी, देखिए यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ पर भी हमने नमस्कार कर दिया है और मंदिर में ही यहाँ पर हमारे चारों तरफ नवग्रह का मंदिर भी है, जिसमें 9 के 9 ग्रह विराजमान हैं। उनको भी हम साथ साथ में नमस्कार करते हुए, परिक्रमा करते हुए, मंदिर की पूरी परिक्रमा मैंने कर ली है और पीपल के वृक्ष की मैंने 7 परिक्रमा की हैं। आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कम से कम 3 परिक्रमा तो अवश्य ही करें। इस तरह से सरल विधि से आप परिक्रमा करके माँ लक्ष्मी जी की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको भी पीपल वृक्ष की पूजा की यह सरल विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।